भारत में ऐसी कई रहस्यमय जगहें हैं जिनके सीने में अनेकों राज छुपे हुए हैं और जिनका पता आज तक किसी ने नहीं लगा पाया है। एक ऐसी ही जगह है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर ऊनाकोटी। यहाँ कुल 99,99,999 पत्थर की मूर्तियाँ हैं जिनके रहस्यों को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। जैसे कि ये मूर्तियाँ किसने बनाई, कब बनाई और क्यों बनाई, और सबसे जरूरी कि 1 करोड़ में आखिर एक कम ही क्यों, क्योंकि ऊनाकोटी का अर्थ ही होता है 1 करोड़ से एक कम। इन रहस्यमय मूर्तियों के कारण ही इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ा है। इस जगह को पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। कई सालों तक तो इस जगह के बारे में किसी को पता ही नहीं था। ऊनाकोटी को रहस्यों से भरी जगह इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका है जो दूर दूर तक घने जंगलों और दलदली इलाकों से भरा है। अब ऐसे जंगल में, जंगल के बीच में लाखों मूर्तियों का निर्माण कैसे किया गया होगा, क्योंकि इसमें तो सालों लग जाते और पहले तो इस इलाके के आसपास कोई रहता भी नहीं था। यहाँ पर पत्थरों पर खुदी हुई और पत्थरों को काटकर बनाई गई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के बारे में एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान शिव समेत 1 करोड़ देवी देवता कहीं जा रहे थे। रात होने की वजह से बाकी के देवी देवताओं ने शिव जी से ऊनाकोटी में रुक कर विश्राम करने को कहा। शिव जी मान गए, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सूर्योदय से पहले सभी को यह स्थान छोड़ देना होगा, लेकिन सूर्योदय के समय केवल भगवान शिव ही जग पाए, बाकी के सारी देवी देवता सो रहे थे। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और श्राप देकर सभी को पत्थर का बना दिया। इसी वजह से यहाँ 99,99,999 मूर्तियाँ हैं, यानी 1 करोड़ से एक कम, भगवान शिव को छोड़कर। इन मूर्तियों के निर्माण को लेकर एक और कहानी प्रचलन में है। कहते हैं कि कालू नाम का एक शिल्पकार था जो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। हालांकि शिल्पकार की जिद के कारण भगवान शिव ने उससे कहा कि अगर एक रात में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां बना दोगे तो वो उसे अपने साथ कैलाश ले जाएंगे। यह सुनते ही शिल्पकार जी जान से अपने काम में लग गया और तेजी से एक एक कर मूर्तियों का निर्माण करने लगा। उसने पूरी रात मूर्तियों का निर्माण किया, लेकिन जब सुबह गिनती की गई तो पता चला कि उसमें एक मूर्ति कम है। इस वजह से उस शिल्पकार को भगवान शिव अपने साथ नहीं ले गए। माना जाता है कि इसी वजह से इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ा।